न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप पसंद करते हैं। दरअसल इस समय ओमिक्रॉन की वजह से पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, और ओमिक्रॉन के बारे में अब जो बात प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल ने कही है वो भी डराती है। प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल IIT कानपुर में प्रोफेसर हैं, और उन्होंने भारत में पहली लहर और दूसरी लहर का भी पूर्वानुमान किया था। उनका जो ये पूर्वानुमान होता है वो मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से होता है, गणितीय सूत्रों के हिसाब से होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। और जो उन्होंने पूर्वानुमान किए थे, यानी कि जो बताया था कि दूसरी लहर कब पीक पर जाएगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ था। अब प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल ने भारत में तीसरी लहर को लेकर साफ तौर पर बोला है कि भारत में तीसरी लहर ज़रूर आएगी, लेकिन कब आएगी इसकी स्टडी की जा रही है, और स्टडी जैसे ही कंप्लीट होगी सबके सामने इसे रखा जाएगा, साझा किया जाएगा। प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल ने अपनी स्टडी को लेकर और पूरी दुनिया में इस समय जो स्थिति बन रही है उसको लेकर कई सारी बातें कही हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस समय स्थिति क्या है। तो मोटे तौर पर स्थिति ये है कि बीते एक हफ्ते पहले आए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। स्थिति ये है कि इस समय 24 देशों में कोरोना का ये नया वेरिएंट पहुंच चुका है। अमेरिका में भी एक मामला अब रिपोर्ट किया जा चुका है। इसके साथ ही 30 देश ऐसे हैं जिन्होंने ट्रैवलिंग को पूरी तरह से बैन किया और अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सील कर दिया है। कारण है ओमिक्रॉन। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले रिपोर्ट हुए ओमिक्रॉन से अब स्थिति हर जगह बिगड़ती जा रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये डेल्टा से 6 से 7 गुना ज़्यादा संक्रामक है, इन्फेक्शियस है। भारत में अभी तक तो ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है, कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन आशंकाएं भारत में भी काफ़ी ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क कंट्रीज़, यानी कि ऐसे देश जहाँ पर ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं, वहाँ से जो लोग आए हैं उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है और उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग की जा रही है, उनके सैंपल्स की जीनोम सिक्वेंसिंग की जा रही है। प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल की जो पुरानी स्टडी हैं वो सही साबित हुई हैं, क्योंकि प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल का जो स्टडी होता है वो फॉर्मूला कंप्यूटर बेस्ड एक मैथमेटिकल मॉडल होता है, जिसमें कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है, जैसे पूरी दुनिया में जो वेव्स आ रही हैं उनके क्या क्या पैटर्न हैं, और दूसरे देशों में वेव की स्थिति क्या है, वेरियंट्स के इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, वैक्सीनेशन कितना तेज है या धीमा है इसको भी स्टडी में शामिल किया जाता है। साथ ही अलग अलग देशों में मेडिकल सिस्टम कैसा है इसको ध्यान में रखकर ही रिपोर्ट बनाई जाती है, और इसके बाद क्लियर होता है कि कोविड की लहर कब तेज होगी, कब धीमी पड़ेगी, लहर कब अपने पीक पर पहुंचेगी। अभी जो बेसिक डाटा का अध्ययन प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल ने किया है उसमें उन्होंने कुछ बातें क्लियर की हैं। उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि शरीर में जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो ज़्यादा आपके लिए कारगर है किसी भी तरह के वेरिएंट से लड़ने के लिए। भारत में उन्होंने कहा कि करीब 80% ऐसे लोग हैं जिसमें नेचुरल इम्यूनिटी बेहतर हो चुकी है, चाहे वो इन्फेक्शियस होकर हुई हो, चाहे वैक्सीनेशन के आधार पर हुई हो, लेकिन बेहतर स्थिति में है। प्रोफेसर अग्रवाल ने ये भी साफ किया कि तीसरी लहर आएगी ये क्लियर है, लेकिन उससे गंभीर अवस्था नहीं हो सकती है, ये हम लोगों को डिसाइड करना है, क्योंकि अगर हम फॉलोअप्स को ध्यान में रखेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजिंग करेंगे, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखेंगे, तो हमारे अंदर जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो किसी भी तरह के वेरिएंट को रोकने के लिए काफ़ी है। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार भी कई तरह की पाबंदियां शुरू कर चुकी है, इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। कारण साफ है कि ओमिक्रॉन का डर साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट वो वेरिएंट था जिसने देश की स्थिति खराब करी थी अप्रैल मई में, और कोरोना से हाहाकार मच गया था, पूरे देश में स्थिति खराब हो गई थी, और अब उससे 6 से 7 गुना ज़्यादा संक्रामक बताए जाने वाले ओमिक्रॉन को लेकर डर होना लाजमी है। हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि ओमिक्रॉन के खराब पैटर्न को झेल सकें, यानी कि तीसरी लहर को झेल सकें। ओमिक्रॉन संक्रामक ज़रूर है, लेकिन उसको रोकने के लिए हमारे तरफ से ही बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं। बेहतर प्रयास में सबसे पहला प्रयास है वैक्सीनेशन। जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा कोई भी वेरिएंट उस पर कम कारगर होगा। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं, अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू नहीं किया है तो ज़रूर पहली वैक्सीन लें, और अगर आपने पहली वैक्सीन लगा ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद, यानी कि दूसरी वैक्सीन को लेकर जो अंतराल है वो पूरा होने के बाद
दूसरी वैक्सीन जरूर लगाएं।